हेलो एवरी वन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल करियर ग्लो एंड कारियर ग्लो इज़ ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू इन योर सी डैट पेपर वन सो दिस इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ़ ई वी एस बाई करियर ग्लो तो आपको यहाँ से आर गुप्ता की बुक जो है वो खरीदनी है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विद आ, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो आज हम एक ही पेपर डिस्कस करने वाले हैं पेपर नहीं मतलब जो ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं और जिसका ऑलरेडी कुछ प्लेलिस्ट उनके चैप्टर से रिलेटेड मतलब जो क्वेश्चंस आए हैं वो चैप्टर बेस्ड हैं तो चैप्टर ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है मतलब वो समरी आपको ऑलरेडी मिल जाएगी तो मैंने लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ में मैंने आई बटन पे भी काफ़ी चीज़ें जो है लगा दी हैं कि ये आपको पर्टिकुलर वीडियो यहाँ से मिल जाएगा सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन और हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हमें आज समझने को मिलेंगी सो लेट्स गेट स्टार्ट ओके okay, सो so, uh, ये क्वेश्चंस शुरू करते हैं जो कि हमने कहा था कि क्वेश्चंस लेकर ज़रूर आएंगे ईवीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको uh, मतलब हर चीज़ का जो हर आंसर जो है वो पता हो लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखोगे एक बार तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा आंसर तो है जहां तक मैं पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूँ सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी आप देखो मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प डेवलप अगर आप इंडियस में बच्चों को मैप्स वगैरह से कुछ चीज़ें सिखाते हैं या आप उनको मैपिंग स्किल्स देते हैं कि इस मतलब इंडिया में इस पर्टिकुलर जगह पर ये पर्टिकुलर स्टेट है अगर आप बच्चों को ऐसे मैपिंग की स्किल्स सिखाते हैं तो उनकी कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है मतलब क्या चीज़ उनकी अच्छी होती है सो ए इज़ रिकॉर्डिंग स्किल्स वो किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर पाते हैं या रिकॉर्डिंग स्किल्स अच्छी होती हैं बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेज या फिर आपको जो प्लेसेज है उनकी पोजिशन पता चलती है कि ये पर्टिकुलर प्लेस जो है वो यहां पर है देन सी इज द स्किल ऑफ ड्रॉइंग लैंडस्केप आप लैंडस्केप लैंडस्केप जो आपके भू दृश्य होते हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्या आप भू दृश्य बनाना सीखते हैं वो स्किल आ जाता है आपको ड्रॉइंग करने का या फिर द स्किल ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग या फिर आपको कैलकुलेट और प्रिडिक्ट करना आ जाता है सिंपल सी बात है कि आप मैप बनाने की बात कर रहे हो तो उसमें कैलकुलेटिंग एंड चीज कहाँ से हो सकती है ये तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए आप क्या कैलकुलेट करोगे क्या प्रोडिक्ट कर पाओगे और आप क्या ड्रॉइंग uh, करोगे लैंडस्केप का ऑब्वियसली ये नहीं होगा आंसर ये सी एंड डी में से तो कुछ भी नहीं होंगे उसके बाद है आपका ए Obviously answer is B. Understanding of relative position of places. आप position के प्लेसेस को समझोगे कि जैसे मान लो अगर हमने एक आ, स्टोरी पढ़ी थी ना कुडक कम्युनिटी के बारे में तो बेसिकली वो झारखंड से रिलेटेड एक मतलब एक प्लेस है तो आपको पता चलेगा उसका रिलेटिव position क्या है अगर हमने कहा कि आ, हम आपको इंडिया के मैप पे झारखंड बताएंगे कि ये यह यहां पर सिचुएटेड है पर्टिकुलरली तो आपको रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस पता चलेगी रिकॉर्डिंग स्किल्स का इससे कोई लेना देना नहीं है सो सिक्सटी वन इज बी आपको मैपिंग के स्किल्स के थ्रू आपको रिलेटिव पोजीशंस पता चलेंगी प्लेसेस की नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू इज आप देखो यहाँ पे सिक्सटी टू uh, अच्छा सिक्सटी वन का बी था और आपको पता ही कि कैसे आंसर्स करने हैं कैसे क्वेश्चन करने हैं डायरेक्शन दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रेट ऑप्शन जो सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रेट है आपको उस पर टिक

आप पेरेंट्स से बात करो और उनको समझाओ भाई हमें बच्चों को समझाने की जरूरत होती है कि पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत होती है सो so, आप उनके बच्चों से बात सॉरी आप उनके पेरेंट्स से बात करिए उन्हें काउंसिल कीजिए ओके नाउ बी इज़ गिव हिम ऑल्टरनेटिव एंड सिंपलर होमवर्क आप उसको सिंपल होमवर्क दो ताकि वो आराम से कर ले या फिर कुछ दूसरा होमवर्क दे दो सी इज़ टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफ़िकल्टी एंड एडजस्ट क्लास अकॉर्डिंगली या तो आप उससे बात करो कि तुम्हारी क्या डिफिकल्टीज है और उस हिसाब से हम क्लास को एडजस्ट कर कर लेते हैं आप ऐसा करो या फिर डी है मेक अनादर चाइल्ड हेल्प कम्प्लीट हिज कम हिज क्लास वर्क या फिर आप किसी दूसरे बच्चे को बोलो कि इसकी हेल्प करो सो so, देखो पेरेंट्स को बोलने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि बच्चा ये काम क्यों नहीं कर रहा है सो टॉक टू हिम आप उससे बात करो ताकि आपको उसकी डिफ़िकल्टी पता चले और उसके हिसाब से एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंग और उसके हिसाब से क्लास वर्क को आप एडजस्ट कीजिए जरूरी ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बच्चा ये चीज नहीं कर पा रहा है तो उसको सिंपल होमवर्क उसकी छुट्टी कर दो। ऐसा नहीं होता। वो उसको वो चीज क्यों नहीं आ रही है वो जानने की हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना इज सी तो uh, आप उससे बात करो उसकी डिफिकल्टी को जानो और क्लास वर्क उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करो okay. ज मुस्कान ऑर्गेनाइज द डिबेट ऑन द टॉपिक तो मुस्कान जो है उन्होंने एक डिबेट टॉपिक चूज किया है मतलब डिबेट कॉम्पिटिशन टाइप जो है क्लास में रखा है ऑर्गेनाइज किया है डिबेट टॉपिक का नाम है यूज ऑफ डीजल व्हीकल इन ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड सो आपको डीजल वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनसे ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए और उसको प्रोहिब करना चाहिए सो दिस इज द पर्टिकुलर क्वेश्चन वट इज द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस डिबेट बाई मुस्कान इन क्लासरूम तो क्लासरूम में मुस्कान का ये डिबेट कॉम्पिटिशन रखना रखने का क्या पर्पस है सो so यहां पर है ए शी वॉन्ट्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन एडवांटेजेस ऑफ यूरिंग यूजिंग मॉडर्न व्हीकल्स पहली बात तो यहां पर यह बोला गया है कि आप डीजल का डीजल व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं करे, उसको करें उसको प्रोहिब करें क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है नॉट तो क्या वो बच्चों को सेंसिटाइज करना चाहती है कि आप मॉडर्न व्हीकल्स यूज करिए स्टूडेंट्स ऑन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मॉडर्न व्हीकल्स क्या वो ये बोलना चाहती हैं ओके बी इज इट हेल्प स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल परसपेक्टिव ऑन दिस पर्टिकुलर इशू डिबेट का मतलब क्या होता है कि आप या तो उसके फॉर में बोलिए या तो फिर आप उसके अगेंस्ट में बोलिए मतलब या तो uh, डीजल को डीजल सच में प्रोहिब हो जाना चाहिए या तो फिर नहीं होना चाहिए ये हो सकता है दो चीजें हो सकती है या तो फॉर में या तो अगेंस्ट में नाउ सी इज शी वॉन्ट्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन दी नीड टू बैन डीजल व्हीकल्स कम्पलीटली इन ट्रांसपोर्टेशन तो यहाँ पे प्रोहिप करने की बात बोली गई है तो क्या वो ये बोलना चाहते हैं कि बैन ही हो जाने चाहिए डी इज इट वुड हेल्प इन नोइंग स्टूडेंट व्यूज इन करेक्टिंग दम या फिर आपको स्टूडेंट्स की व्यू पता चले उसके बाद आप उनको करेक्ट करो तो देखो सी डी सी बात है डिबेट कॉम्पिटिशन का मतलब है, या तो कोई चीज आपके हिसाब से सही होगी या तो फिर गलत होगी और अगर गलत है तो फिर आप उनको करेक्ट क्यों कर रहे हो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई चीज़ या तो आप उसके फॉर में हो या तो अगेंस्ट में हो तो कोई भी इसमें गलत नहीं हो सकता ना क्योंकि या तो आप उसकी फॉर्म में बोलोगे या तो आप उसके अगेंस्ट में बोलोगे तो कोई चीज़ गलत कैसे हो सकती है फिर डिबेट का मतलब ही क्या है डिबेट का तो ये मतलब हो सकता है कि एक पक्ष जो है एक पर्टिकुलर पीपल जो है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल सोचते हैं कि ये ऐसी चीज़ ये सही है कोई सोचता है वो सही है तो उन सबके हिसाब से सब चीज़ सही है तो गलत क्या हो सकता है सो so, डी तो वैसे भी नहीं हो सकता इट वुड हेल्प इन नोइंग स्टूडेंट्स व्यूज इन करेक्टिंग दैम तो ये नहीं होगा शी वॉन्ट्स टू सेंटस सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन द नीड टू बैन वो सेंसिटाइज करना चाहते कि बिल्कुल ही बैन हो जाने चाहिए बट इसका सच सही आंसर जो है वो बी है का मतलब ही यही होता है कि नई नई आइडियाज हमारे सामने आए नए नए लोगों के विचार व्यूज हमारे सामने आए तो अप्रिशिएट करो मल्टीपल परस्पेक्टिव को यही तो काम होता है डिबेट का सो so, उस हिसाब से आपका बी जो है वो राइट आंसर होगा राइट नाउ सिक्सटी फोर्थ इज इस सो नाओ दिक्सटी फोर्थ मीन्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ देर इज़ अ पैराग्राफ इन क्लास फिफ्थ ई वी एस टेक्सट बुक तो क्लास ई वी एस मतलब आपका जो फिफ्थ क्लास का ई वी एस का टेक्स्ट बुक है उसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि ई वी एस के टेक्स बुक के अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे तो सबकी समरी मेरे यूट्यूब चैनल करियर ग्रो के ऊपर ऑलरेडी Uh, मैंने प्ले में रखी हुई है तो आप उसको जाके एक बार पढ़ सकते हैं मैं आई बटन और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी नाव एक पैराग्राफ है फिफ्थ क्लास का ईवीएस के टेक्स्ट बुक में जो कि अल्बरूनीज के ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स इन इंडिया सम थाउजेंड ई ईयर्स अगो तो अलबरूनी हज़ारों साल पहले आए थे और उन्होंने पॉन्ड्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है जो तालाब होता है उसी कंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व किया था ना क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अलबरूनी कौन थे कहाँ से आए थे तो ये कि, किस तरफ़ से आए थे मतलब ये पूछा जा सकता है जैसे कि ख्वारिज्म पर्टिकुलरली एक जगह है वहाँ पे उनको आ, आ, कहते हैं कि उनको बहुत अच्छा एजुकेशन मिला था उनको बहुत सारे आ, क्या नाम है बहुत सारे जो लैंग्वेजेस हैं उनको आती थी हिब्रू फारसी और ये सारी लैंग्वेजेस के बारे में पता था उन्हें तो वो आए थे उन्होंने ऑब्जर्व किया वट वुड बी द पर्पज़ ऑफ इंक्लूडिंग दिस पैराग्राफ़ तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को बुक में इंक्लूड करने का क्या मतलब है सो ए इज़ इट हेल्प्स लर्नर्स टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री तो क्या हम हिस्ट्री के सोर्सेज को पता लगाने के लिए इनके पैराग्राफ को हमने डाला है कि मतलब इनसे भी हमें पता चलता है अलबरूनी ने जो अपनी बुक्स वगैरह लिखी हैं मे बी उनसे हमें पता चले क्योंकि जब भी कोई यहाँ पे विजिट करता है तो कुछ ना कुछ तो लिख के जाता ही है जो उन्हें अलग लगता है तो मे बी उन्होंने लिखा हो नाउ बी इज इट हेल्प्स लर्नर टू इम्प्रूव द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हम अपने ऑब्जर्वेशन uh, की रिकॉर्डिंग को अच्छा बनाते इम्प्रूव करते हैं सी इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम थाउजेंड ई ईयर्स बैक यानी कि हज़ारों साल पहले इंडिया की उस टेक्नोलॉजी को हमें समझना चाहिए या हमें हेल्प होती है इस चीज़ को समझने में अप्रिशिएट करने में डी इज़ इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री तो हमें हिस्ट्री में एविडेंस को एविडेंस का भी बहुत रोल है ये इनमें से क्या इसका आंसर होगा तो देखो इस पैराग्राफ को इंक्लूड करने का आंसर क्या होगा सबसे पहली चीज़ तो ये हमें हेल्प करेगा इट हेल्प्स लर्नर टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री तो हमें हिस्ट्री के सोर्सेज uh, की जानकारी मिलेगी क्योंकि इतिहास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अलग अलग सोर्सेज से मिली हैं जैसे कि कुछ फॉरेन अकाउंट्स होते हैं मतलब जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं उन्होंने कुछ लिखा तो उनके अकाउंट्स हम पढ़ सकते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जो पुरानी चीज़ें पुरात्विक स्रोत हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कहा जाता है पुरात्विक स्रोत होते हैं या तो फ़ॉरन अकाउंट्स होते हैं या तो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं यानी कि जो तो लिखित में आपके पास कुछ दस्तावेज़ हैं तो एक तो हमें सोर्सेज समझते हैं सोर्सेज समझने में हेल्प मिलती है हिस्ट्री के कि अलबरूनी की किताब वगैरह जो भी उन्होंने लिखा उसमें पढ़ सकते हो आप बॉन्ड के बारे में दूसरा ये हमें अप्रिशिएट करने में हेल्प करता है कि हज़ार साल पहले हमारे लोगों ने तालाब बनाए थे किसी न किसी पर्पस की वजह से एंड डी इज डी इज़ इट हेल्प्स लर्नर्स टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री की हिस्ट्री के एविडेंस का बहुत रोल है मतलब एविडेंसेस का बहुत रोल है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पुराने जो लोग थे वो क्या सोचते थे क्या काम करते थे किस तरह से चीज़ों को लेते थे और कैसे क्या चीज़ बनाते थे सो so आंसर आपका जो होगा वो डी इज़ द राइट आंसर ए सी एंड डी बी क्यों नहीं होगा उसको देख लेते इट हेल्प्स लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इससे लर्नर के uh, मतलब इस पैराग्राफ से पैराग्राफ को लगाने से हमारी रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस इम्प्रूव होती हैं हमारी रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन कैसे इम्प्रूव होगी ये तो रिकॉर्ड एक बेसिकली अपने अकाउंट में तो अलबर उन्होंने लिखा था या उसने इसके बारे में थाउजेंड uh, साल पहले जो आया था उसने टिप्पणी की थी इसके बारे में कुछ बताया था तो उसकी रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होंगी कि हमारी होंगी हमने तो केवल पैराग्राफ पढ़ा है तो पैराग्राफ पढ़ के हमें हिस्ट्री के सोर्सेज पता चलते हैं एविडेंस पता चलता है एंड टेक्नोलॉजी की समझ मिलती है कि हज़ारों सालों पहले हमारी टेक्नोलॉजी कैसी हुआ करती थी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके सो नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ़ ईवीएस हेल्प्स टू जो हमारा इंटीग्रेटेड नेचर होता है ईवीएस का ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ईवीएस को इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाया जाता है मींस इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस या ऐसा कुछ नहीं होता बल्कि इसमें सोशल साइंस को भी ऐड किया जाता है और ये सारी चीज़ें तो यहाँ आप देख बहुत अच्छे से क्लियरली आप इसको एलिमिनेट एलिमिनेशन मेथड से हम इसे कर सकते हैं अब यहाँ पे लिखा है ए देखो फॉलो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ये बात बिल्कुल ठीक है हमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनानी चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब होता है कि बच्चा जो है बीच में है बीच में है इन सेंस कि आपका सारा फोकस बच्चे के ऊपर है और बच्चे को उसके हिसाब से समझाना चाहिए मतलब ये टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं होना चाहिए कि लेक्चर दे दिया राइट नोट्स पकड़ा दिए और ये सब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनानी चाहिए विच इज़ गुड अब यहाँ लिखा है इसी के ही साथ में लिखा इंट्रोड्यूस लार्जर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब चाइल्ड सेंटर अप्रोच तो आप अपनाओ ही साथ में लार्जर कॉन्सेप्ट दो भाई लार्जर कॉन्सेप्ट देना ज़्यादा अच्छा होगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट देना अच्छा होगा जो ज़्यादा समझने वाला हो लार्जर कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट देने से कुछ क्या होगा कुछ भी नहीं होगा तो वैसे तो ये बिल्कुल ठीक होता ये मतलब ये जो ए आ, पार्ट है ये बिल्कुल ठीक होता फॉलो चाइल्ड सेंटर अप्रोच है आप चाइल्ड सेंटर अप्रोच को फॉलो कीजिए लेकिन इंट्रोड्यूस लार्जर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे को लार्जर कॉन्सेप्ट देने की नाउ बी इज लर्न फ्रॉम इन्फॉर्मेशन विच इज़ ओके कि आपको इंफॉर्मेशन से सीखना चाहिए एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड ठीक है रिड्यूज़ द करिकुलम लोड देखो ऐसा कभी नहीं होता कि करिकुलम लोड को आप रिड्यूस करो एंड इंट्रोड्यूस ओनली स्पेसिफिक टॉपिक क्यों स्पेसिफिक टॉपिक्स आपने ही क्यों पढ़ाने हैं आप उसको सारी चीज़ें पढ़ाओ लेकिन ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ कभी होता नहीं है कि करिकुलम लोड को जो है वो रिड्यूस कर दिया जाए या फिर टीचर को बर्डन पड़ रहा है इसलिए बच्चे का करिकुलम लोड जो है उसको कम कर दिया जाए तो ऐसे ऑप्शंस जनरली नहीं चूज़ करने चाहिए देन डी इज़ रिड्यूस करिकुलम लोड यहाँ पर आप करिकुलम uh, लोड को रिड्यूस कर रहे हो एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली ठीक है आंसर तो डी होगा अब क्यों डी है इसको भी देख लेते हैं ए क्यों नहीं होगा फॉलो चाइल्ड सेंटर अप्रोच यहाँ पे ठीक है कि आप चाइल्ड सेंटर अप्रोच अपनाइए बच्चों से बातचीत कीजिए उनको समझाने की कोशिश कीजिए और कुछ हद तक आप बच्चों के हिसाब से चलिए लेकिन इंट्रोड्यूस लार्जर नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट ने यहाँ पर पूरा सेंटेंस ख़राब कर दिया कि ऐसे लार्जर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट शुड बी गिवन मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट हमेशा दिए होने चाहिए देन बी इज़ लर्न फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड तो क्या हम सिर्फ इंफॉमेशन और डिस्क्रिप्शन से ही चीज़ों को सीखते हैं या लर्न करते हैं तो ऐसा भी नहीं है आप मतलब हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस यानी कि आप कोई चीज़ को करके बाई डूइंग आप चीज़ों को समझ सकते हो देन रिड्यूस द करिकुलम लोड आप करिकुलम लोड को कम करो और स्पेसिफिक टॉपिक इंट्रोड्यूस करो तो सबसे अच्छा इसमें से डी है कि आप करिकुलम लोड को ठीक है कम करो लेकिन आप बच्चे को मीनिंगफुली तरीके से लर्न करवाओ तो डी इज द राइट आंसर तो यहां पर डी सबसे अच्छा, अच्छा आंसर होगा तो हमें ऐसे एलिमिनेट करने आना चाहिए राइट ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी सिक्स है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इस वाली क्लास में हम लोग बस ये सेवेंटी तक ही करेंगे सो विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ई वी एस असेसमेंट ई वी एस का असेसमेंट करते समय इसमें से कौन सा ब्रॉड इंडिकेटर नहीं है बहुत अच्छे से याद रखना होता है कि क्या नहीं है क्या है ये सारी चीज़ें क्या मतलब ऐसे भी बोला जाता है ना विच इज़ नॉट ट्रू मू विच इज नॉट नॉट फॉल्स तो इस पर हमें खास ध्यान रखना है सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ई वी एस असेसमेंट ई वी एस एसेस असेसमेंट करने का ब्रॉड इंडिकेटर क्या नहीं है तो देखो ईवीएस का असेसमेंट करते टाइम क्वालिटी जरूरी है सॉरी uh, इक्वालिटी जरूरी है कोऑपरेशन देन कंसर्न फॉर जस्टिस लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है तो ये कोई ब्रॉड इंडिकेटर नहीं है बाकी इसके बारे में हम और भी बाकी क्लासेस में देख लेंगे इसको मैं अलग तरीके से भी एक्सप्लेन करूँगी कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया है नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन इज क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रैटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ई वी एस इज यूज फॉर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ईजी है अगर हम सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे देखेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा यहाँ लिखा है कि क्वेश्चन करना टीचिंग लर्निंग मतलब ई के उसमें मतलब ई सब्जेक्ट में क्वेश्चनिंग करना टीचिंग लर्निंग में कैसे हेल्प करता है मतलब किस लिए यूज होता है क्वेश्चन पूछना बच्चे से वो कैसे यूजफुल होता है सो so, यहाँ लिखा है कि अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो पहला प्रमोटिंग होगी अदेयरेंस टू रूल्स मतलब बच्चे रूल्स को सुनेंगे ठीक है उसको अदेयर करेंगे उसको मानेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन पूछने से ये रूल्स का क्या प्रमोट आप कर रहे हो नाउ बी इज अराउजिंग क्रियोसिटी इन क्लासरूम क्लासरूम में क्रियोसिटी बढ़ेगी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आप हो सकता है उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो तो क्यूरियोसिटी बनेगी बढ़ेगी आप क्यूरियस हो सकते हो उसका आंसर जानने के लिए देन डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे या फिर अटेंशन ड्रॉ हो जाएगी हम लोगों की तो देखो सिक्सटी सेवन का आंसर बी होगा क्यों होगा उसको भी समझ लेते हैं ई वी एस में क्वेश्चन पूछना कैसे यूज़फुल होगा तो उससे हम रूल्स को अध्ययन करेंगे यानी कि रूल्स को हम लोग समझेंगे उसको मानेंगे तो ऐसा यहाँ पे ए पॉइंट में कुछ नहीं है डी इज हमारी अटेंशन ड्रॉ हो जाएगी एक बार को ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि जैसे मैम ने क्वेश्चन पूछा हम अराउज हो गए हम अटेंट अटेंटिव हो गए कि अरे मैम तो क्वेश्चन पूछ रही हैं तो डी हो सकता है इसको हम अभी साइड में रख देते हैं पर हमें एलिमिनेट करना है तो ए तो नहीं होगा उसके बाद क्वेश्चन पूछने से क्या है डिसिप्लिन मेंटेन होता है तो चलो सी भी गलत है कि ऐसा कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम क्वेश्चन नहीं पूछते हम इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको जो डिलीवर किया है हमने आपको जो हमने समझाया है क्या वो आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है नाउ अब बी डी से मतलब बी जो है वो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे लिखा है अराउजिंग करियोसिटी इन क्लासरूम तो सिर्फ अटेंशन ड्रॉ करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन के जरिए बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इस चीज़ की कि हाँ मैं इसका आंसर दे सकता हूँ या फिर अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो उसका आंसर क्या होगा तो आप ऐसे करके अगर आप क्वेश्चन को क्वेश्चन के जो जितने भी ऑप्शन अगर आप उसको इस तरीके से इन डेप्थ में समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको आसानी होगी नाउ नेक्स्ट इज़ तो इसका आंसर जो है वो बी होगा नाउ नेक्स्ट इज सिक्सटी एट ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है अब क्या है विद ओवर फिफ्टी स्टूडेंट्स इन हर क्लास मतलब एक क्लास में पचास स्टूडेंट है राइट right? तो वानी वांट्स टू एंगेज देम इन एन एक्टिविटी तो वानी जो है उनको एक एक्टिविटी में एंगेज करना चाहती है इन्वॉल्व करना चाहती है विच इन्वॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेंसेस टू इनहस लर्निंग ताकि उन बच्चों की जो सेंसेज ना वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो कितनी सेंसेज होती है हमारे फाइव सेंसेस होती है कौन कौन सी स्मेल की मतलब जो आपके देखने देखने वाली होती है साइट होती है ठीक है स्मेल होती है टेस्ट होती है और टच uh, वाली जो आपके अंदर सेंसेस होती है तो ये सारी आपके अंदर सेंसेस होती है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी सूटेबल फॉर दिस पर्पस तो अगर आप चाहते हो कि बच्चे की सारी सेंसेस यू नो इन्वॉल्व हो जाए तो आपको कौन सी सूटेबल एक्टिविटी उनको देनी चाहिए ए इज़ यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम फॉर रेलिवेंट ए वी मटीरियल अब देखो अगर आप ए वी रूम लेके जाओगे ए वी रूम क्या होता है जहाँ पे बच्चा स्मार्ट uh, क्लास मतलब स्मार्ट बोर्ड वगैरह ये सब होते हैं और बच्चा देख कर के सीखता है ठीक है तो ए वी ऑडियो विजुअल हो गया तो ऑडियो विजुअल में आपके ईयर एक्टिव होंगे ठीक है ओनली आपके ईयर एक्टिव होंगे ऑडियो सुनने के लिए एंड वीडियो देखने के लिए आपका आई एक्टिव होगा लेकिन सिर्फ ये दो सेंसेस तो नहीं है हमारे पास न मतलब सिर्फ यही दो तो नहीं है हमारे पास तो फाइव सेंसेस है राइट right? तो ए को अभी हम साइड में रख देते हैं अब बी इज ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू नियर बाय प्लेस अगर आप आसपास के एरिया में घूमने के लिए जाते हो तो आप वहाँ पे आपके कानों का भी इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ पर अगर आप घूमने जा रहे हो तो आप तरह तरह की आवाज़ें सुनते हो आप देखते भी हो आप चीज़ों को टच भी करके देख सकते हो राइट और वहाँ पर अगर कुछ चीज़ें हैं आसपास कोई फ्रूट्स है या कुछ भी है बेरीज़ है कुछ भी है, तो आप उसको खा भी देख सकते हो तो आप उसे टेस्ट भी कर सकते हो राइट तो क्या है टच है और आपका स्मेल है स्मेल भी हम करके देख सकते हैं तो अगर आप फील्ड ट्रिप पे जाओगे किसी फील्ड ट्रिप या किसी आसपास के एरिया में जाओगे तो आपको टच करने वाला जो एक सेंस होता है उसका भी एहसास होगा राइट आप आपके कान भी एक्टिव होंगे आपके आँख भी एक्टिव होगी आपकी नोज़ भी एक्टिव होगी होगी स्मेल करने के लिए आपकी स्किन आपके हैंड टच करने के लिए एक्टिव होंगे सो so, बी इस हिसाब से सारी सेंसेस को क्यू मतलब सारी सेंसेस को क्यूमुलेट या फिर सारी सेंसेस को इन्वॉल्व कर रहा है नाउ सी इज़ इनवाइटिंग रिसोर्स पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी टू डेमॉन्स्ट्रेट देयर स्किल्स अब आप खुद सोचो आप किसी को बुला रहे हो इनवाइटिंग रिसोर्स पर्सन किसी अच्छे खासे इंसान को आप बुला रहे हो ठीक है कि आप आइए और अपने स्किल्स दिखाइए तो इसमें आप सिर्फ देख ही तो पाओगे या फिर आप सुन पाओगे लेकिन आपके और भी सेंसेस को इन्वॉल्व कैसे किया जाए टच की सेंसेस को स्मेल की सेंसेस को ये कैसे टेस्ट की सेंस को कैसे इन्वॉल्व किया कै जाए यहाँ पे तो सिर्फ आपका ईयर और आई ही इन्वॉल्व हो रहा है इसमें भी आपका ईयर और आई इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि कोई रिसोर्स पर्सन अगर आपके स्कूल में आएगा तो आप उसको सुन ही सकते हो राइट right? आप उसको सुनोगे आप उसको देखोगे आप उसको स्मेल या टच या कुछ ऐसा तो नहीं करोगे नाउ डी इज इंकरेजिंग ग्रुप डिस्कशन आप ग्रुप डिस्कशन इंकरेज करो जिसके अंदर केवल और केवल आप बोल पाओगे सुन पाओगे दैट्स इट राइट देख पाओगे बट बट इसके अंदर स्मेल एंड टेस्ट एंड टच वाला कहाँ से सेंस आ गया तो इसलिए हमें ये वाली सेंस ऑर्गन्स को भी मतलब ये वाली जो सेंस हैं सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करना है नंबर ऑफ सेंसेस को तो बी इज़ दी राइट आंसर कि आप एक फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज़ कीजिए फील्ड ट्रिप में आप खुद जाके देखिए वहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मिल रही हैं आप उनको टच स्मेल

दीज हेल्प लर्नर्स बिकम कॉम्पिटेटिव इससे बच्चा कॉम्पिटेटिव होता है न्यूज़ पेपर और मैगजीन पढ़ने से ओके फाइन ठीक है दीज आर एंटरटेनिंग रिसोर्स अवेलेबल ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा न्यूज़ पेपर और मैगजीन में आ, हमेशा एंटरटेनिंग वाली चीज़ें मिलें बल्कि आपको रीड करना चाहिए न्यूज़पेपर और मैगजीन दीज हेल्प लर्नर्स टू एंगेज विद द रियल वर्ल्ड विद द रियल वर्ल्ड मीन्स रियल वर्ल्ड uh, की जो न्यूज़ हैं जो चल रहा है एक्चुअली एन्वायरमेंट में जो चल रहा है हेल्थ के लिए जो चल रहा है वो सब आपको पता चलेगा सो दीज हेल्प लर्नर्स टू एंगेज विद रियल वर्ल्ड तो आप रियल वर्ल्ड से जुड़ पाओगे इसलिए न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ना चाहिए ताकि आप लोग डे टू डे लाइफ में जो भी चल रहा है उसके लिए अवेयर रहो तो उस हिसाब से डी इज़ दी राइट आंसर नाउ सेवेंटी विच इज़ लास्ट क्वेश्चन उसके बाद हम ये नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे तो सेवेंटी uh, इज ये मैंने करवाया हुआ है यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगी ऑब्वियसली इसका ये इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट्स द मीनिंग ऑफ तोरंग इज जंगल तो ये झारखंड वाला जो लैंग्वेज है यहाँ पे कुडुक कम्युनिटी होती है इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी है सो झारखंड में कुडुक कम्युनिटी रहती है तो उसकी लैंग्वेज में जंगल को तोरांग कहा जाता है तो ये वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो कहने का मतलब ये है कि ये ई वी एस का बुक का क्वेश्चन है राइट right? मतलब जो बुक इन देंस के जो आपके चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर का टेक्स्ट uh, क्वेश्चन है ये सो so, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पेड़ागोजी भी इम्पॉटेंट है और uh, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है तो हमने लगभग uh, यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए कुछ हाँ जहाँ तक है हमने सेवेंटी uh, मतलब दस के करीब समथिंग कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अब हम बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ठीक है तो तब तक के लिए आप इसको एक बार और रीड करिए सारे ऑप्शंस को देखिए सो दैट आपको एलिमिनेट करना आ जाए और एक बार अगर एलिमिनेट करना आ जाएगा तो फिर आप ईजीली सारी चीज़ों को कर पाओगे अब मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में वो भी बाकी क्वेश्चन के साथ